आला हजरत के बारे में पढ़ते हैं तो फिर दिल से आवाज निकलती है, अगर इनसे भी इश्क ना हो तो फिर इश्क किससे होना चाहिए। इतनी सलाहियतें मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई। इन उलूम पर आला हजरत को उबूर हासिल था। तखरीज अहादीस, इल्मुल अकाइद, इल्मुल बलागत, मुनाजरा, इल्मुल अदब, इल्मुल हिसाब, रियाजी, इल्मुल हिंसा, नुजूम, अर्दियात, तबीयात, कीमिया, नबातात, इक्तिसादियात, इल्मुल अदियान, बायोलॉजी, इल्मुल हयातियात। मनसूबे के आपने 1000 से ज्यादा तसनीफात तहरीर फरमाई है। अल्लाह करे हम आला हज़रत को पढ़ने वाले बन जाए और इनकी तालीमात पर अमल करने वाले बन जाए। आला हज़रत के दादा आलिम, आला हज़रत के वालिद आलिम, आला हज़रत खुद आलिम, आला हज़रत की शहजादे आलिम। इस पुर फितन दौर में हमें जरूरत है आला हजरत की तालीमात की, आला हजरत के नजरियात की। आला हजरत ने जो कह दिया, खलास, आंख बंद, कट्टर आला हजरत वाला, बस। आला हजरत की बात अगर आपकी समझ में नहीं आती तो ये समझ का इलाज करो, आला हजरत की बातें कमजोरी नहीं है। नहीं इलाज होता, आ जाओ मेरे बापा के पास, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ये इंशाल्लाह ऐसा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इश्क मोहब्बत का जाम पिलाते हैं, मदीना मदीना कर देते। आला हजरत के इश्क मोहब्बत का जाम पीता है वो गौस पाक का भी दीवाना बनता है, इमाम आजम का भी दीवाना बनता है, खुल्फाए राशिदीन का दीवाना बनता है, तमाम सहाबा का दीवाना बनता है। उम्महातुल मोमिनीन की अजमत और मोहब्बत दिल में पैदा होती है, अहले बैत की अजमत और मोहब्बत दिल में पैदा होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने को जी चाहता है।